ಬನ್ನಿ. संकल्प शामिल है जो स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा देंगे. तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आज के अतिथियों का स्वागत कार्यक्रम करती हूँ. सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी जनरल मैनेजर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा. दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा. तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा. चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा. और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा. ये 55 क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज भारत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है. पिछले 8 वर्षों में भारत नवीन ऊर्जा के क्षेत्र में किए हर वादे को पूरा कर रहा है. चाहे सौर ऊर्जा हो, जहां 57 ऊर्जा के क्षेत्र में 40.7 गीगावाट का उत्पादन शुरू हो चुका है. छोटी जल ऊर्जा के क्षेत्र में 5 गीगावाट के कुल लक्ष्य में से 4.8 गीगावाट तक के लक्ष्य को पा लिया गया है. बायो कनेक्शन को लेकर बेकार है. लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार नियम 2020 की पहल की. इन नए नियमों को देश भर की बिजली कंपनियां तेजी से लागू कर रही हैं, जिसका असर दिखाई देने लगा है. बिजली कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं को घर बैठे बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करने और बिलों का भुगतान ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है. नए नियमों के तहत विद्युत मंत्रालय ने स्पष्ट मानदंड बनाए हैं. मेट्रो शहरों में 7 दिनों में, अन्य शहरों में 15 दिनों में कनेक्शन देने का नियम है. साथ ही उपभोक्ताओं के लिए निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और बिजली कटौती होने की स्थिति में उपभोक्ताओं को पहले से सूचना देने की व्यवस्था भी तय की गई है. यही नहीं, नए नियमों के तहत बिजली कंपनियां वरिष्ठ नागरिकों को सभी सेवाओं का लाभ घर बैठे ही प्रदान करने की व्यवस्था में जुटी हुई है. ये पहली बार है जब केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में नियमों के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार निर्धारित किए हैं. नियमों के नोटिस बोर्ड पर जानकारियां प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी दी गई है. उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिजली कंपनियों को एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर की व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है, ताकि आवेदन की ट्रैकिंग की जा सके. अब उपभोक्ता रूफटॉप या दूसरी जगह पर सौर फोटोवोल्टेइक सिस्टम की नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन यूनिट लगाकर पैसे भी कमा सकते हैं. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरा परिवार बिजली के मामले में निश्चिंत होगा. अब बिजली कंपनियों द्वारा एकीकृत 24/7 टोल फ्री कॉल सेंटर के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है. नए नियमों के लागू होने से घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को आसानी हो रही है और उद्योगों को नई रफ्तार मिल रही है. 54 बिजली कंपनियों के द्वारा कनेक्शन जारी करने और 59 कंपनियों द्वारा मीटर परीक्षण की व्यवस्था शुरू. आप सब लोगों का स्वागत है. मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पूरे भारत वर्ष में
हर एक डिस्ट्रिक्ट में दो दो जगह पर इस बिजली महोत्सव का कार्यक्रम जो है उसको आयोजित किया जा रहा है। सोल पाडर में एक प्रोग्राम आयोजित हुआ और आज हम जहां सब इकट्ठे हुए हैं इस महोत्सव इस प्रोग्राम को आज मनाने के लिए, तो जैसा आपको पता है आज का जो इस आज के दिन का जो थीम है उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य 2047। हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारी जो सर्विसेज जो हैं रोड कनेक्टिविटी पावर पीएचई जो मतलब पानी जो है स्वच्छ पानी तो बहुत हम काफी पीछे थे। तो इन 75 साल में जो हम 75 साल का आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं बुढ़िया जो है वो बता रहे हैं कि हमने 75 साल में क्या पाया। बहुत सारे लोग जो है जहाँ बैठे हैं जो एक 50 साल से ऊपर है उनको पता है कि किश्तवाड़ में भी मतलब जो हमारा कम्युनिकेशन था किस लेवल तक थी कहाँ तक पहुंची थी और आज किस किस गांव तक पहुंची है ये हम सब जानते हैं। उसी जो उपलब्धियां हैं जो आज तक हमने अचीव किया है उसी के लिए आज बैठे हैं। हम जानते हैं कि हमारा किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है फार फ्लंग पहाड़ी क्षेत्र है बहुत सारे दूर दराज के एरियाज हैं। हमारे अभी कुछ ऐसे हैमलेट्स हैं जो भी कनेक्टेड नहीं है। मड़वा भाड़वन जो है अभी भी ग्रिड कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा है लेकिन लास्ट अगर हम देखेंगे 8-10 साल में बहुत सारे हैमलेट्स जो हैं जो पहले जुड़े नहीं थे वो आज जुड़े हैं। हम ये भी मानते हैं कि जो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम था ट्रांसमिशन सिस्टम जो था जो आज से 10 साल पहले था उसको अपग्रेड किया गया अपडेट किया गया और उनकी जगह पर नया जो है पावर स्टेशन स्थल जहां पर आदाब एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट ऑफ टुडेज प्रोग्राम ऑनरेबल साइमा प्रवीण लोनजी वाइस चेयरपर्सन बीडीसी किश्तवाड़ और गेस्ट ऑफ ऑनर प्रेसिडेंट म्यूनिसिपल कमेटी सज्जाद बंजार साहब चीफ कन्वीनर ऑफ द प्रोग्राम रिस्पेक्टेड श्यामलाल जी एडीडीसी किश्तवाड़ यहां तशरीफ लाए हमारे काउंसलर साहिबान सरपंच साहिबान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जेबीडीसीएल अल्ताफ हुसैन शेख साहब श्री जैकर साहब जनरल मैनेजर सिविल यहां उपस्थित विभिन्न पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑल अदर डिग्निटरीज विजिटर्स चिल्ड्रंस एंड रिस्पेक्टेड लेडीज मैं देवेंद्र कुंडल सीनियर मैनेजर एचआर एनएचपीसी आपका यहां पे आने के लिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं एंड माय हार्टी कांग्रेचुलेशंस एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल इन दिस ऑस्पिशियस प्रोग्राम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं भारत सरकार की पहल के बाद पूरे देश में इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आजादी के 75 साल इसके कल्चर अचीवमेंट्स और भारत के लोगों की गौरवशाली हिस्ट्री को पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ फेस्टिवल के रूप में मनाने के लिए हमारी सरकार की पहल है। इसी क्रम में पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बिजली महोत्सव प्रोग्राम पूरे देश भर में 25 जुलाई से 30 जुलाई तक बड़े ही उत्साह और ऊर्जा के साथ मनाया जा रहा है। इस बार उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य एट 2047 बिजली महोत्सव उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य प्रोग्राम के तहत 25 से 30 जुलाई वाले हफ्ते में हमारे पूरे देश भर में सभी 773 जिलों में कम से कम दो जगहों पे ये प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। किश्तवाड़ जिले में भी डीसी साहब की रहनुमाई में यह प्रोग्राम 26 जुलाई को सोहल पाडर में किया गया था इसका पहला जो फेज था और आज 28 जुलाई को इसी प्रोग्राम का दूसरा फेज इस किश्तवाड़ शहर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन प्रोग्राम्स में हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स तथा आम लोगों की पार्टिसिपेशन भी इंश्योर कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम सभी किश्तवाड़ में बिजली महोत्सव उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य को सक्सेसफुल बनाने के लिए आज यहाँ पे शामिल हुए हैं। बहुत डेडिकेटेड है
जिन्होंने न केवल भारत की बल्कि उसकी जर्नी ऑफ डेवलपमेंट में लाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बल्कि अपने अंदर आत्मनिर्भर भारत सेल्फ रिलायंट इंडिया की भावना के साथ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के इंडिया 2.0 के विजन को स्टिम्युलेट करने की शक्ति और क्षमता भी प्रदान की है। सबसे पहले तो मुबारकबादी यहाँ की जो बीजेपी व्यवस्था है यहाँ पे उनको हमारी तरफ से इस फंक्शन के लिए मुबारकबादी जो जगह जगह पे मनाया जा रहा है। रही बात इस द्वार के डेवलपमेंट की, इस द्वार डिपार्टमेंट में आप 4 साल पहले जाइए हमें कितनी मुश्किलें होती थी यहाँ पे, लेकिन आज इनकी मेहनत को मशरूम की वजह से जगह जगह डेवलपमेंट हो रही है। आप दूर दराज इलाकों में जहाँ बिजली नहीं होती थी आज वहाँ भी बिजली है, और ये जो मिशन 2047 का है, 347 का मिशन जो आगे, तो मैं समझता हूँ मोदी है तो मुमकिन है ये हो जाएगा थोड़ा। और यहाँ पे हम जो हमारा बिजली का जितना भी यहाँ पे हमारे एडब्ल्यू साहब है बाकी है, हम जानते हैं कि हमें डील करना पड़ता है इसको आगे। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम मुझे रात को भी अगर इनको कोई टेलीफोनिकली कॉल करते हैं, हर वक्त शाना बशाना हमें साथ देते हैं। जहां जहां हमें डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है तो कोई ऐसा वक्त नहीं है कि इनमें हमें किसी भी मसले में इग्नोर किया। हम शुक्रगुजार हैं इनके, यहाँ किश्तवाड़ में जो डेवलपमेंट हो रही है अभी मुबारकबादी इस चीज के लिए भी, क्योंकि हमारे पास 10 MBA का मालीपेट में जो एक ट्रांसफर इंस्टॉल हो रहा है, जिससे और भी अच्छा हमारे किश्तवाड़ को बिजली की जो ये बिजली का जो जितना भी ये जो हमारा सिस्टम और इसमें तरक्की हो जाएगी। फंक्शन के बारे में मुझे उतना नॉलेज भी नहीं था, रात को 9 बजे में मुझे नॉलेज मौका रिसीव हुआ। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, यहाँ एडमिन साहब का शुक्रगुजार हूँ, अनेक किसी से जो लोग आए हुए हैं तो इन सबका शुक्रगुजार हूँ। कोशिशें जारी हैं, लेकिन आप जो एक RTSS स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट ने चालू की है वो हाल ही में स्टार्ट हुई है, उसका पैसा भी गवर्नमेंट के पास आ चुका है, तो उसमें पूरी पूरी उम्मीद है कि मड़वा और वार्ड 1 के लोगों को भी इस बिजली के ग्रिड के साथ जोड़ा जाएगा और उनको भी कंटिन्यूस बिजली जो है फराहम होगी। रही दूसरे कुछ जो हमारे हैबिटेशन हैं मड़वा वार्ड 1 के अलावा, तकरीबन 29-30 हैबिटेशन चाहे वो क्वार्टर में हो, छात्रों एरिया में हो या नागसिनी एरिया में हो, तो उनमें जो बिजली की कनेक्टिविटी है उसमें भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि 1-8 साल में ही उनको बिजली के साथ पूरी तरह से जोड़ा जाए, क्योंकि आज भी वो लोग या तो जनरेटर से बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं या सोलर से इस्तेमाल कर रहे हैं और काफी मुश्किल का सामना कर रहे हैं। बार बार हमारे पास उनका जो है डेपुटेशन और वक्त वक्त पे, मतलब जो हमारे DDC और BDC मेम्बरान हैं वो भी इन मसलों को हमारे पास लेके आते हैं, लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो भी जल्दी ही जो है इस ग्रिड के साथ जुड़ जाएं। उसमें इसी साल हमें उम्मीद है कि उसमें से 5-7 हैबिटेशन को हम इस साल कर लेंगे, और RDSS स्कीम में तमाम हैबिटेशन को कवर किया गया है। जो ही ये स्कीम स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे लगता है कि 100% जो हैबिटेशन किश्तवाड़ की जो बचती हैं मड़वा और वार्ड 1 के अलावा, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें 33 के लिए लाइन जाएगी, वहां पे एक रिसीविंग स्टेशन बनेगा, तब जाके उस एरिया को वो बिजली प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जहां तक यहां का ताल्लुक है तो उसमें जल्दी ही हम जो है अपनी जो है ये बिजली का जो निजाम है इसको दुरुस्त करेंगे और हर घर तक बिजली पहुंचाने की कोशिश करेंगे। रहा मसला ट्रांसफार्मर रिप्लेसमेंट का, आप देखते होंगे कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो अर्बन एरिया है हमारा, सिटी का एरिया है, उसमें 24 घंटे के अंदर अंदर जो है बिजली का ट्रांसफार्मर अगर डैमेज हो जाता है वो रिप्लेस हो जाए, और आप लोग खुद इसके गवाह हैं
कि शायद इस मामले में कहीं ना कहीं किसी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली का ट्रांसफार्मर जो है रिप्लेस हो जाता है। रही बात रूरल एरिया की, जहां हमें 48 घंटे या 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर चेंज करना है, जहां भी रोड कनेक्टिविटी है, जहां भी हमारे लिए थोड़ी सी आसानी है, रूरल एरिया में भी हमारा जो है पूरा प्रयास है कि हम 48 घंटे के अंदर अंदर ही अपना जो ट्रांसफार्मर है उसको रिप्लेस कर दें। लेकिन जहां पे कहीं कैरेजेस का मसला होता है, दूर दराज इलाके में ट्रांसफार्मर शॉर्टन कैरेज के जरिए पहुंचाना होता है, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन फिर भी हमारे जो कोशिश है वो पूरी पूरी जारी रहती है। मैं आपको अपनी कोशिशों की, जो अपनी उपलब्धियां हैं हमारी, उसकी एक मिसाल कल शाम की देना चाहूंगा कि आपके पार्ना में एक जहां पे वो बहुत बड़ा